हाय, मैं हूं तुषामा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जल्द ही होने वाली है शादी, और अब दोनों ने अपनी शादी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया है। दोनों को मिल चुका है US का मैरिज लाइसेंस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चलिए आप लोगों को शुरू से बताते हैं कि क्या हुआ। US की इंटरनेशनल वेबसाइट्स ने हाल ही में पोस्ट किया था कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को मिल चुका है शादी का लाइसेंस। दोनों ही पिछले ही हफ्ते बेवरली हिल्स के कोर्ट हाउस गए थे और साथ ही में शादी के लाइसेंस पाने के कागजात भी भर के आए हैं। हम आपको बता दें, US में एक कपल को शादी करने के लिए 30 से 60 दिन पहले अपने शादी की तारीख के वो कागजात भरने होते हैं, जिससे US के कपल्स को मिलता है शादी करने का लाइसेंस। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हमारे दामाद यानी कि निक जोनस है US के सिटीजन। हालांकि दोनों की शादी होने वाली है इंडिया में जोधपुर में मेहरंगर फोर्ट और उम्मेद भवन पैलेस में, और सोर्सेस की माने तो दोनों ही अपनी US का मैरिज लाइसेंस लाएंगे इंडिया में, जोधपुर में अपनी शादी के दिन करेंगे उसे साइन और वापस जाएंगे US में वो कागजात सबमिट करने के लिए। इसी तरह से निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी दोनों ही कंट्रीज में लीगल कर देंगे। हम प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बॉलीवुड की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।